लेबनान में कैसे टूटी हिजबुल्ला की कमर, किसने दक्षिण लेबनान पर कब्जे की धमकी दी और आईडीएफ ने कहा कि ये टारगेटेड अटैक, वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। इसराइल के हमलों से लेबनान में कोहराम मचा है। न सिर्फ हिजबुल्ला की कमर टूटने को है बल्कि लेबनान की आर्थिक स्थिति भी पतली हो गई है। हार्ट फॉर लेबनान के नेता कैमिली मेलकी ने आईडीएफ के लगातार स्ट्राइक से $3 अरब से ज्यादा की क्षति का दावा किया है। भीषण जंग के बीच इसराइल ने हिजबुल्ला को बड़ी चेतावनी दी है। इसराइली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच ने कहा है कि अगर हिजबुल्ला पीछे नहीं हटा तो दक्षिण लेबनान पर कब्जा तय है। स्मोट्रिच ने इसके लिए इजरायली सेना के घातक प्लान का भी संकेत दिया है। इसराइल से लेबनान पर बहुत बड़े हमले के संकेत है। CNN के मुताबिक अमेरिका भी IDF के प्लान से टेंशन में है। इसराइली रक्षा मंत्री बेन ग्वेर ने हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है। लेबनान के IDF के ग्राउंड ऑपरेशन के जल्द शुरू होने की आशंका है। उत्तर पूर्व में लेबनान का बालबेक शहर भी इजरायली कहर से कांप गया। रात के अंधेरे में इजरायली मिसाइल से कई घरों में आग लग गई। धमाकों की आवाज से पूरा शहर गूंजता रहा। लितानी नदी के आसपास हिजबुल्ला के कई हथियार गोदाम IDF के निशाने पर रहे। गाजा का अल जैतून भी इजरायली सेना के लिए अहम टारगेट बना हुआ है। IDF के विमानों ने विध्वंसक एयर स्ट्राइक कर पूरे इलाके को दहला दिया। IDF के क्लस्टर बम के वार से करीब दर्जन भर इमारतें एक साथ ध्वस्त हो गई। IDF की बमबारी से भीषण तबाही मची। उत्तरी गाजा पट्टी में जबालिया कैंप अब भी इजरायली सेना का अहम टारगेट बना हुआ है। हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका में कई ठिकानों पर IDF की बमबारी आज भी जारी रही। IDF के विध्वंसक हमलों के बाद से लोग शिविर छोड़कर भाग रहे हैं। गाजा में हमास के संदिग्ध ठिकाने पर IDF की मिसाइल स्ट्राइक कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें विचलित करने वाली है। जैसे ही बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा क्षेत्र मलबे और धुएं के गुबार से भर गया। गाइडेड मिसाइल के प्रहार से भूकंप जैसी स्थिति थी। गाजा के पूर्वी राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास ने इजरायली सेना पर गुरिल्ला अटैक किया। जीरो रेंज से जहां हमास लड़ाकों ने मोर्टार से आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिया, वहीं दूसरी ओर खंडहर इमारतों के अंदर घात लगाकर हमले किए। उत्तरी गाजा में हमास के स्नाइपर IDF के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। हमास ने हमले का वीडियो जारी कर IDF के एक अधिकारी समेत 3 जवानों को मार गिराने का दावा किया। वीडियो बेथेनून इलाके का बताया गया। और अब यूरोप, मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ जारी जंग के बीच हुती को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पेंटागन से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हुती के पास लंबी दूरी के विध्वंसक हथियार मौजूद हैं। हुती रेड सी से भूमध्य सागर तक हमले बढ़ा सकता है। रेड सी में कोहराम मचा रहे हुती ने फिर से एक अमेरिकी शिप पर विध्वंसक ड्रोन अटैक किया। हालांकि अमेरिका सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने हुती के 4 ड्रोन मार गिराए। हुती के सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी शिप पर जोरदार धमाका हुआ। रेड सी में कंटेनर शिप पर हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती ठिकानों पर जोरदार स्ट्राइक की। ज्वाइंट एयर ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों ने यमन के हुदेई दहा एयरपोर्ट पर भी 6 बम गिराए। हुती का मिसाइल बेस तबाह करने का दावा है।